जी कल है कद्दू भात और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो एक बार खोला जाए देखा जाए क्या है यार। ओ भाई साहब, यहाँ पे हमारा गेहूँ धुला गया है, इसमें डालेंगे गंगाजल। आज ईश्वर का साक्षात हमको दर्शन हुआ, कृपा कैसे नहीं आगे क्या हाल होता। भगवान के चरण में हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और हजार लाख करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो जी कल है कद्दू भात और कद्दू भात को लेकर के जो हम लोग को शॉपिंग करनी है और छठ की भी शॉपिंग जो है थोड़ा जल्दी ही कर लेना है क्योंकि मार्केट में जो है भीड़ अच्छा खासा बढ़ने वाला है और उसके अलावा जैसे ही छठ नजदीक आएगा दाम भी जो है हर प्रोडक्ट का जो है लगभग बढ़ता ही जाएगा। तो हम और जिया जो है लगभग तैयार हो चुके हैं और यहाँ क्रियांश को देख सकते हैं, यह सोया हुआ था और अचानक से पलटी मार करके अब इस तरह से सो रहा है। अब जल्दी से इसको पलटते हैं, ऐसे थोड़ा सेफ नहीं है सोना इसके लिए। और जी बाकी वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ जी, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी से मेरा 300K पूरा कर दीजिए, बहुत दिन से अटका हुआ है, रिक्वेस्ट है। चलते हैं, तो हम लोग चल रहे हैं जी मार्केट और मार्केट से क्या सब लेना था, यही लेना था सिंधा का गेहूं ले लेना। हाँ, 5 किलो। अच्छा, उसके बाद सिंधा नमक, हल्दी, जीरा, ये है करवा तेल, तो करवा तेल यही साझा। मैंने गेहूं ले लेते हैं, सिंधा नमक, सिंधा नमक भी यही साझेगा, उसके लिए तुमको टेंशन। अच्छा, चावल भी, अरे तुमको चावल गेहूँ सूप और चूल्हा, ठीक, चावल गेहूँ सूप चूल्हा, 2 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, सूप और चूल्हा, ठीक है ले लेते हैं। एक चूल्हे लिया बढ़िया सन के रेगुलेटर से ही, ठीक है। हम लोग जी निकल रहे थे मार्केट, लेकिन सोचा मार्केट जाने से पहले इधर काली पूजा लगता है ओटीपारा में, तो हम लोग ओटीपारा आ गए हैं और काली पूजा यहाँ जिया को दिखा देते हैं। जिया पहली बार आई है इस साइड में? इधर हम पहली बार आए, वैसे तो पूरा कटिहार घूमे हुए हैं, बस ये तो नहीं घूमे, ये तो इधर नहीं आए थे। चलिए आज जिया वो भी घूम लेगी, तो चलते हैं। हम लोग जी यहाँ पर जो है समय से काफी पहले ही आ गए थे क्योंकि यहाँ पर जो है काफी ज्यादा भीड़ रहती है और उस भीड़ में फैमिली को लेकर के थोड़ा जो घूमना है संभव नहीं हो पाता है। तो जब यहाँ पर आए जी और यहाँ पर जो हमने पंडाल देखा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इतना खूबसूरत सा पंडाल था कि पूछिए मत जी, अलग अलग तरह का, अलग अलग वैरायटी का और बिल्कुल यूनिक स्टाइल का। जी अब आ गए हैं मार्केट और यहाँ पर खरीदारी करने के लिए, अभी आ गए हैं एक चूल्हा के स्टोर, तो जिया यहाँ पर ले रही है चूल्हा। और 600 ये 1600, क्या अंतर है? ये कंपनी का है, ये चूड़िया उड़िया का। अच्छा, कितना दिन का वारंटी है? 2 साल। 2 साल जलने का, तो उसमें भी एक चूल्हा पसंद आ गया है जी, तो ये हमने सिलेक्ट किया है, ये लो, अच्छा लग रहा है। यही वाला लेंगे, सिंपल वाला जो यूज होता है, यो अच्छा है, देखिए इसको खाने में पक्का ना अच्छा लग रहा है। एक्सपेरिमेंट करिए, जान लो गड़बड़ नहीं है। अब वो भी लेना है क्या? वो है पास में, तो उसे घर में जरूरत पड़ेगा इसका, पूरी सब तल तो है, वैसे है ये, ठीक है। और भी छोलनी छोलोता और बस, साथ में जिया लेडी एक कढ़ाई, कमेंट भी आता रहता था ना, आपका कढ़ाई गंदा है, वो है पुराना हो गया, इससे बड़ा किए, ठीक है देख लो, इससे बड़ा कितना लीटर का, देखिए अंदाजा है, आदमी तो पूछ रही है कितना आदमी हम लोग हैं, 6 आदमी नहीं, बड़ा है। क्या रेट होगा अंकल? मापी है 2300 और डिस्काउंट करके 1955। हाँ, तो खर्चा हो गया, अब आ गई है जिया एक शॉप पर जहाँ से क्रियांश का कपड़ा ले रही है ठंड के लिए, क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है और उसके लिए ठंड के कपड़े काफ़ी कम है।
और कलर आएगा, ब्लू आएगा, छोटा हो जाएगा उसको। तो क्रियांश का तो ड्रेस हमने ले लिया जी, और यहाँ जो है छठ की शॉपिंग नहीं है, यह स्पेशली क्रियांश के लिए जो छठ की शॉपिंग में थोड़ा सा इंक्लूड हो गया है। तो बाकी आगे हम लोग को गेहूँ लेना है और चावल भी लेना है, तो चलते हैं उसी पार से ले लेंगे अपने घर के नजदीक से। The next day. कल हम लोग आ गए थे जी मार्केट से, और उस समय जो है कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मार्केट से हम लोग आते वक्त काफी थक गए थे, और उसके बाद जो है घर के काम काज में लग गए तो शूटिंग का जो है ध्यान ही नहीं रहा। अभी हम लोग उठ चुके हैं और उठा हुआ लगभग हो चुका है अच्छा खासा समय, और यहाँ पर चल रही है छत की सफाई, जिया को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जिया छत की सफाई करेगी, उसके बाद जो है गेहूँ का भी सफाई होगा, फिर उसके बाद गेहूँ को यहाँ सूखने के लिए डाला जाएगा। और भी कुछ अच्छा सूखेगा फिर डालेगी इसके ऊपर, तभी छाएंगे इसमें। यहाँ पे हमारा गेहूं धुला गया है, उसमें डालेंगे गंगा जल और इसको निकाल लेंगे तब इसको सुखाएंगे। A few moments later. गेहूँ धुल गया जी, और गेहूँ को यहाँ पर डाल दिया गया है सूखने के लिए, और हम जो है यहाँ पर पहरा में बैठे हुए हैं ताकि कोई भी कौवा या कोई भी चिड़िया सब जो है यहाँ पर नहीं आए और इसको जो है जूठा कर दे, इसलिए बैठे हुए हैं। और एक एक करके शिफ्ट बदलता रह रहा है, कुछ देर पहले मम्मी बैठी थी, अभी हम बैठे हैं, फिर हो सकता है कुछ देर बाद जिया आए, फिर पापा आए, तो ऐसे ऐसे ही करके लगता है कि शायद 2 घंटा 2.5 घंटा में तो यह सूख ही जाना चाहिए। चलिए जी, अब थोड़ी राहत मिली है, गेहूँ को जो है समेट करके रख दिया गया है और कुछ देर बाद फिर से मसाला वाला चना का दाल भी बना सकती है आराम से रोटी। अच्छा, और यहाँ डिस्कस चल रहा है खाना बनाने का कि आज क्या खाना बनेगा। रात में चना के दाल में डाल देगी जीरा मिर्ची, अच्छा तड़का बना देगी, रोटी वही खाएंगे। आज तो हर चीज को देख रेख करना होगा ढंग से ना, बिल्कुल बहुत बड़ी सही बात है। हम तो ईश्वर पर जरूर भरोसा करते हैं, आज ईश्वर का साक्षात हमको दर्शन हुआ। कैसे कि हम यहाँ से चले गए भोजपुर अपने समधी के यहाँ, और मेरा पोता सीरियस वहाँ गए, गांव में कोई साधन नहीं गाड़ी आने का, अचानक किरण बाबू हमको मिल गए जो कि कार से वापस हो रहे थे, तुमको ले आए इतिफाक है। दूसरी बात, कल दिन का आज से हम व्रत में है, तो हम देखते हैं कि मेरा पोता का पेट भी ठीक हो गया, कृपा कैसे कर्म अच्छा रखिए, पूरे ठीक हो गया आधा घंटा में। और हम लोग किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, कहीं नहीं गए, दिन से रात में कम से कम हमारा पोता को 40 लेटिन, कृपा है भगवान भोलेनाथ माता पार्वती या भगवान दिनकर। हम तो सब रूप में पूजा नहीं करते हैं, एक ही रूप में सिर्फ बाबा भोलेनाथ का करते हैं, चाहे पर्व कोई भी दिनकर की भी पूजा करते हैं तो उनमें बाबा भोलेनाथ को। लेकिन इसलिए आप भगवान के चरण में हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और 1,000,00,000,000,000 प्रणाम करते हैं। इसी तरह प्रभु संसार पर कृपा बनाए रखिए, और साथ ही छठ का सबको शुभकामना देते हैं, और भगवान करेंगे तो किसी को कभी क्षति नहीं होगी। बिल्कुल जी, तो इसी के साथ छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो एक बार जरा खोला जाए देखा जाए क्या है यह। ओ भाई साहब, तो यहाँ तैयार हो चुका है यह सब्जी, तो जल्दी से चावल भी एकदम सेंटेड चावल है, मजा आ रहा है। अच्छा तरुआ भर तलिएगा, तो एक चीज और आलू ला दीजिए, अगर आपको आलू का पकौड़ा खाना है तो फिर हम बना देंगे। नहीं मुझे ये भी अच्छा लगता है आलू सब में, इतना दौड़ाई है तुमको कितना नहीं दौड़ता है। माँ बोली है डैडी के लिए कद्दू कम है इसीलिए। अच्छा ठीक है, लेते आते हैं। A few moments later. बाकी यहाँ क्रियांश जो है अपना मगन है, कुछ देर पहले सोया हुआ था और अब जो ये उठ गया है। बेटा राजकुमार ही है। हेलो राजकुमार, तू नहीं नहीं करेंगे पापा। अच्छा, अब नहीं नहीं कर लिया। ये लेना है, इसको कैमरा लेना है। दे दीजिए कैमरा लेगा। क्रियांश, ओए क्रियांश, क्रियांश मैं बुकी कर दूंगा। बोलो मैं आपको बुगी करूंगा। अभी ये वहाँ से पहुँच गया था जो कि हमारे व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल जी, ये यहाँ कोई था नहीं था, और हम लोग थे बाहर। हाँ। और यहाँ जो आराम से पलटते पलटते यहाँ चला गया, अंदर घुस गया था, और उसके बाद झूला को खींच रहा था, है ना ज्ञानश, ये इसके हाथ में आ गया और आराम से इसे खींच लिया। डर के मारे हम लोग बेड पे नहीं सुलाते हैं, गिर ना जाए, क्योंकि अब जो है यहाँ खतरे से खाली नहीं है, कब पलटता है अचानक कोई ठीक नहीं है इसका। ठीक है जल्दी जाइए आलू लेके आइए आप। ठीक है ले आते हैं। तो जी भोग लग गया है, तो माँ ने जब भोग लगा दिया है उसके बाद बारी अब हमारे खाने की, तो खाना हुआ लग चुका है, तो चल करके खाते हैं। अब बारी है जी नवेद की। होता क्या है जी इसमें कि कुछ प्रसाद जो है उसको चढ़ाया जाता है, और कुछ प्रसाद को जो है गौ माता के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो है जो पर्व कर रही होती है वह उसे खाती है, और उसे बड़े ही श्रद्धा के साथ सभी परिवार के सदस्य खाते हैं।